के मुसलमानों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक दिन के लिए दारू बंदी करे। ये एक सबका साथ सब। थ्री स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के। मुंबई में खिलाफत कमेटी की जानिब से मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम उलेमा इकराम मौजूद थे। मोइन मिल्लत हजरत मोइन मियां साहब थे, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के जो मुस्लिम नुमाइंदे नेता लीडर सब आए थे। हमको भी बुलाया था, हम भी गए थे वहां पर। और आज की मीटिंग का मौजू ये था कि जिस तरह से 17 सितंबर के दिन ईद मिलादुन नबी है हमारी, अब उसी दिन गणेश विसर्जन भी आ रहा है। अब गणेश विसर्जन के दिन भी काफी हमारे हिंदू भाई लोग धूमधाम से निकलते हैं, पूरे मुंबई शहर के अंदर विसर्जन होता है। तो ये फैसला लिया गया कि हम एक दिन पोस्टपोन करेंगे जुलूस को, और 17 की जगह जुलूस 18 तारीख को निकाला जाए, क्योंकि 18 को ईद मिलादुल नबी का भी जुलूस होता है, वो काफी हजारों की संख्या में लोग आते हैं, रस्ते के ऊपर स्टेजेस लगते हैं। तो ये फैसला लिया गया कि अब ईद मिलादुल नबी का जुलूस पूरे महाराष्ट्र भर में 18 तारीख के दिन निकाला जाएगा। तो हमने रजामंदी की उलेमाओं का फैसला सर आंखों के ऊपर है। अब बात नंबर तो ये थी कि हमने कहा 18 तारीख के दिन महाराष्ट्र सरकार जो है ईद मिलादुल नबी के जुलूस को मद्देनजर रखते हुए एक दिन की छुट्टी पूरे राज्य में घोषित करे। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक दिन के लिए दारू बंदी करे। ये एक सबका साथ सबका विकास की बात करती है सरकार। तो सरकार को मुसलमानों की भावनाओं के भी तरफ मद्देनजर रखते हुए एक दिन के लिए दारू बंदी घोषित करना चाहिए पूरे महाराष्ट्र राज्य में। ये हमने अपनी बात रखी आज। जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.3starnews.in। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज, 3 स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए।